किसी गांव में एक बुद्धिमान मेंढ रहता था। उसका नाम बब्बू था। वह बहुत ही होशियार और चालाक था। एक दिन वह अपनी दोस्ती के लिए एक चालाक कौआ ढूंढने का सोच रहा था। बब्बू को एक कौआ मिला जो कि बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। बब्बू ने कहा, मेरे प्यारे कौआ, हम एक साथ काम कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। कौआ ने सुना और कहा, पर कैसे? बब्बू ने उसे बताया, हम एक दूसरे को मदद करेंगे। तुम मुझे उच्च स्थानों से उड़कर चीजें ला सकते हो जो मैं नहीं पहुंच सकता। कौआ ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, हम साथ में काम करेंगे। इसके बाद दोनों मिलकर काम करने लगे। एक दिन कौआ ने एक सोने की अंगूठी ढूंढी। वह उच्च एकांत स्थान पर फंस गई थी। कौआ उड़कर उसे ले आया। बब्बू ने बहुत खुश होकर कहा, बहुत अच्छा काम किया मेरे दोस्त, हम इसे बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। कौआ ने एक चालाक तरीके से कहा, यह सोने की अंगूठी तो मुझे लगी थी, तो मुझे ही पैसा मिलना चाहिए। बब्बू चकित हो गया। उसने सोचा कि कौआ ने उसे धोखा दिया है, इसलिए बब्बू ने अपनी होशियारी का प्रदर्शन करने का फैसला किया। अगले दिन बब्बू ने खुद की बीमारी का नाटक किया। वह अपनी कमजोरी का बहाना करके बहुत ही दुखी दुखी शक्ल बनाया। कौआ ने देखा और पूछा, बब्बू क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ है? बब्बू ने उदास होकर कहा, मुझे बुखार है और मैं ठीक से चल नहीं सकता। कौआ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक औषधि लेकर आता हूँ। कौआ चला गया। और वापस आकर बोला, ये औषधि लेकर तुम ठीक हो जाओगे। बब्बू ने धन्यवाद कहा और उसने औषधि ले ली। कुछ ही देर बाद बब्बू ने खुद को ठीक महसूस किया। बब्बू ने कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मुझे बड़ा ही सहारा दिया। कौआ ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बब्बू, तुम्हारी सेहत मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बब्बू ने देखा कि कौआ भी उसके स्वास्थ्य के लिए चिंतित था। वह समझ गया कि कौआ की दोस्ती सच्ची है। इसके बाद बब्बू ने कौआ को सच्चाई बताई और उससे माफी मांगी। कौआ ने भी उसे माफ कर दिया। दोनों फिर से दोस्त बन गए। उन्होंने साथ में बहुत सारा पैसा कमाया और खुशहाल जीवन बिताया।